पापा मेरे ऑटो ड्राइवर है, तो उनको देखता था कि मेरे पापा ऑटो ड्राइवर और मम्मी काम पर भी जाते हैं, तो उनको देखता नहीं कि मेरे को कुछ मेरे परिवार के लिए कुछ करना है। और मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं मेरे पापा की मतलब ये ऑटो ड्राइवर चलाते हुए करे, और मेरे पापा बोल रहे कि नहीं तुझे डॉक्टर बनना है, तो मैंने सोचा नहीं मेरे को भी कुछ करना है और समाज के लिए भी कुछ बड़ा करना है। आप एक बार एक और अटैम्प्ट दीजिए और दूसरे में ऑटोमेटिक आपके 150-200 नंबर की ग्रोथ आराम से हो जाएगी। सही ढंग से कंटिन्यूटी बना के रखे, रहो, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, नहीं रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, मेहनत पर लगे रहो, रिजल्ट अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। मेरा दोस्त है टिकम, टिकम डूडी है, वो उसको साउथ में कड़प्पा नाम के जिले हूँ, वहाँ कॉलेज में उसने फ़ोन किया कि तेरा रिजल्ट आ गया शाम को 6 बजे, तो मैंने रोल नंबर वगैरह उसको सेंड किया, उसने मेरे को बधाई दे दी कि तेरा सिलेक्शन हो गया 26 में। कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जब एक मजदूर पिता का बेटा बड़े सपने देखता है और उन्हें साकार करता है तो वह कहानी वाकई प्रेरणादायक बन जाती है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बाड़मेर के एक टैक्सी चालक के बेटे रोहित जीनगर से, जिन्होंने नीट परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। जानिए उनकी प्रेरणादायक कहानी और उनके संघर्ष की दास्तान। बाड़मेर जिला मुख्यालय के रेलवे कुआ नंबर 3 के रहने वाले टैक्सी चालक लक्ष्मण दास के बेटे रोहित जीनगर ने दूसरे प्रयास में नीट परीक्षा को बेहद अच्छे अंकों के साथ पास किया है। रोहित ने 720 में से 620 अंक हासिल किए। नहीं सीखने थे, मेरा नाम रोहित कुमार है, मैंने कक्षा 1 से 10 तक गांधी चौक बाड़मेर से पढ़ी, और 11th 12th मैंने हाई स्कूल से किया, और मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर तो हो गया था? फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो गया था, पर साउथ में कॉलेज मिल रही थी, 448 नंबर मेरे बने थे, पर नहीं पापा ने बोला कि नहीं MBBS लेनी है, तो MBBS के लिए मैंने वापस तैयारी की और मेरे इस बार 620 नंबर है। कैसे तैयारी कैसे करते थे, रूटीन क्या रहता था? रूटीन सुबह 7 बजे से लेकर 1:30 बजे तक कोचिंग होती थी, फिर खाना खाता था और 3 बजे वापस, थोड़ा 1 घंटा सो जाता था, फिर 3 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ता था, फिर 1 घंटा रेस्ट, फिर 8 से रात को 12 बजे तक पढ़ता था और फिर सो जाता, सुबह वापस डेली रूटीन नहीं रहता। रोहित के पिता लक्ष्मण दास पिछले 22 साल से टैक्सी चला रहे हैं और उनकी माँ पुष्पा देवी घरों में आया का काम करती है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद रोहित ने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत जारी रखी। पापा मेरे ऑटो ड्राइवर है, तो उनको देखता था कि मेरे पापा ऑटो ड्राइवर और मम्मी काम पर भी जाती है, तो उनको देखता नहीं कि मेरे को कुछ मेरे परिवार के लिए कुछ करना है, और मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं मेरे पापा की मतलब ये ऑटो ड्राइवर चलाते हुए करे, और मेरे पापा बोल रहे कि नहीं तुझे डॉक्टर बनना है, तो मैंने सोचा नहीं मेरे को भी कुछ करना है और समाज के लिए भी कुछ बड़ा करना है। जब पता चला समाज के पहले डॉक्टर बनने जा रहे हो, इस बात का कितना प्राउड है? हाँ खुशी तो है कि मैं समाज से पहले डॉक्टर बनूंगा, बाढ़ में समाज से। तो क्या कितनी मेहनत की है आपने, उससे ज़्यादा कितनी मेहनत रही पापा की? मेहनत तो रही है, बीच में कभी पैसों का भी दबाव रहता था, तो पापा ने बोला कि नहीं तुझे टेंशन वगैरह कुछ नहीं करनी, हम जैसे तैसे करके स्थिति संभाल लेंगे, तो पढ़ाई पर ध्यान दे, तेरा जो होगा हम सब देख लेंगे, तू सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। 2004 से पहले किराए के मकान पर ऐसे थे, फिर यहाँ आके रहने लगे, तो शुरुआत से ही संघर्ष देखा है? हाँ संघर्ष देखा है। 2007 के करीबन पापा बीमार रहे 2 साल, उस समय थोड़ा पढ़ाई में भी डिस्टर्ब हो गए थे, फिर कैसे तैसे मतलब जैसे तैसे करके वापस पढ़ाई चालू की और आज थोड़ा ये डॉक्टर बन गए खड़ा है। रोहित ने डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया है और अब उनका उद्देश्य अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। वह अपने माता पिता की तरह कड़ी मेहनत कर समाज में एक मिसाल बनना चाहते हैं। घर परिवार में कौन कौन है? मेरे 2 भाई हैं और 1 बहन है। क्या करते हैं ये? भाई नर्सिंग में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता है और बहन कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। बताया अपने पापा तो काम करते करते मम्मी भी काम करते? हाँ मम्मी भी काम करते। क्या करते हैं? मम्मी डॉक्टर की फैमिली, उनका बच्चा पढ़ते हैं। अच्छा आया पता नहीं। हाँ तो फर्स्ट टाइम जिस वक्त कम नंबर आए साउथ में मिल रहा था, उसके बाद फिर कितनी हिम्मत से जीते, कितनी मेहनत से जीते? जब रिजल्ट आया तब मैं रो गया था घर पर कि मेरे मेहनत तो की थी साल भर पूरी, पर जो सोच रहा था मेरे नंबर जुड़े थे 500, पर रिजल्ट आया तब जुड़े 448 नंबर जुड़े, तब मैं एक दिन रोया, दूसरे दिन पापा ने बोला नहीं तो वापस चला जा सीख और वापस तैयारी कर लो, और इस तरह से मैं साल भर निरंतर थोड़ा मेहनत की और मेरे इस बार अच्छा रिजल्ट मिला। इस बार तो रिजल्ट तो 14 तारीख को आने वाला था लेकिन 10 दिन पहले आ गया, ये तो अब पता नहीं मतलब कैसे रिजल्ट है। हम भी अचुंबे में, मेरा दोस्त है टिकम, टिकम डूडी है, वो उसको साउथ में कड़प्पा नाम के जिले हूँ, वहाँ कॉलेज मिली, उसने फ़ोन किया कि तेरा रिजल्ट आ गया शाम को 6 बजे,
मैंने रोल नंबर वगैरह उसको सेंड किया, उसने मेरे को बधाई दे दी कि तेरा सिलेक्शन हो गया अच्छा सर्विस में। आप तो रिजल्ट देख रहे थे, मतलब वाला रविंद्र सिंह भाटिया रिजल्ट तो खुद का आ गया। हाँ मेरे को अच्छे में रह गया कि मेरे कैसे होगा, फिर वो न्यूज में देखा कि अचानक ही रिजल्ट आ चुका है। अगली बार जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपको? अगली जो मेरे भाई बहन है उनको यही संदेश है कि मैं ऑटो ड्राइवर का बेटा हूँ, मैं नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आप भी बड़े होकर, मतलब मैं नॉर्मल फैमिली से हूँ तो आप भी बड़े होकर कुछ कर सकते हैं, और गवर्नमेंट से पढ़ा हुआ तो आप भी सोच लो कि मैं गवर्नमेंट से हूँ तो आप अगर मान लो प्राइवेट से भी तो बड़ा कुछ कर सकते हैं। विश्वास आप खुद पर होना चाहिए, परिवार पर होना चाहिए तो आप बड़ा कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में हार जाते हैं, हाँ होते हैं हार नंबर मान लेते हैं। तो मेहनत करते हैं फिर सोचते हैं कि इतना स्कोर होना चाहिए, उसके बावजूद उतना स्कोर नहीं हो पाता है तो थोड़ा डिप्रेशन में। उन भाई बहनों से कहता हूँ नहीं आप एक बार एक और अटेम्प्ट दिए दीजिए और दूसरे में ऑटोमेटिक आपके 150-200 नंबर की ग्रोथ आराम से हो जाएगी, सही ढंग से कंटिन्यूटी बना के रखे दो, रुकना नहीं है झुकना नहीं है। नहीं रुकना नहीं है झुकना नहीं है, मेहनत पर लगे रहो, रिजल्ट अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। लोकल 18 के लिए बाड़मेर से मनमोहन सेजू की रिपोर्ट।